hello students welcome back to online class let's continue that lesson number 14 natural resources in previous class we discussed about that uh, the breath of life there is air and then uh, the topic is the role of the atmosphere in climate control and then uh, the movement of air that we called as winds so today we discussed about that um, uh, about rain how does it forms so and um, causes of air pollution so that is what is acid rain and then if possible we discussed about that water also that is a one wonder liquid okay रेन किस तरह से फॉर्मेशन होता है जब वाटर uh, क्या होता है लैंड के ऊपर जब सनलाइट गिरता है या कुछ दूसरे प्रोसेस के थ्रू इवेपरेट हो जाता है इवेपरेट होने के बाद एक हाइट uh, एल्टीट्यूड में चले जाता है वाटर वेपर्स सो वो कंडेंस्ड हो जाता है कंडेंसेशन आपको बता दिया है पहले से इट मीन्स दैट वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इन ए लिक्विड वाटर बाई कूलिंग दैट्स कॉल्ड एज ए कंडेंसेशन ऑफ वाटर सो ये वाटरसाइकल के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर हर जगह भी ओके सो रेन है इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यू, यूज़ में आता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए फास्टली फिर ओके okay? और ये हमें कंजर्व करना ज़रूरी है रेन वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम्स हैं पूल्स हैं एक्सेट्रा इस तरह से हमें कंजर्व करना चाहिए ओके एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन किस तरह हो जाता है जो हार्मफुल सब्सटेंसस होता है उसको जो हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स इंक्रीज होता है इंक्रीज हो जाता है उसके कंटेंट है एयर के अंदर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं नाइट्रोजन है फ्लोराइड है लेड है निकल है आर्सेनिक है और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जो इसका कंटेंट्स इंक्रीजेस uh, हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ये काजेस करता है जो एयर पोल्यूशन ओके okay. ये इट मे कॉजेस इन ह्यूमंस ह्यूमन के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका जैसे रेस्पिरेटरी एंड रीनल प्रॉब्लम्स होता है मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए जैसे ऑक्सीजन लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में प्रॉब्लम हो सकता है फिर इससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और आई इरीटेशन आँख जलने लग जाता है जब एयर पोल्यूशन हो जाता है इन्वामेंट में और कैंसर होने के भी चांसेस होता है फिर इन प्लांट्स दट रेड्यूज ग्रोथ डीग्रेन डी जनरेशन ऑफ क्लोरोफिल मोटलिंग दट पैचे ऑफ स्पॉट्स ऑफ कलर्स ऑफ लीव्स सो इट मींस रेड्यूज हो जाता है ग्रोथ प्लांट का और डी जनरेशन ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल की कमी होने लग जाता है और पैचेस um, आने लग जाते हैं अलग अलग कलर पैचस दिखने लग जाते हैं लीव्स के ऊपर ओके okay, इस तरह प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन से फिर सो एसिड रेन भी फॉर्मेशन होता है सो so, एयर पोल्यूशन से जैसे व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड जब फॉसिल फ्यूल्स बर्ंट होता है उसमें से जब बर्न होता है गैसेस रिलीज़ होता है जैसे कि ना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यानी या सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जब रिलीज़ करता है नेचर के अंदर तब ये एसिड रेन जो एटमोसफियर uh, में पोल्यूशन हो जाता है जब रेन फॉर्मेशन रेन फॉर्मेशन होता है तब वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है ये सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है अगर सल्फर डाईआक्साइड मिक्स हो जाता है तो वो फॉर्मेशन करेगा सल्फरस एसिड फॉर्मेशन करेगा जो एसिड रेन बोलते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा मिक्स हो जाएगा तो रेन वाटर वो फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक एसिड से सो so, इस तरह से एसिड रेन फॉर्मेशन होता है फिर जब गैसेस रिलीज होता है फैक्ट्रीज के थ्रू है इंडस्ट्रीज के थ्रू है या से जो फॉजिल फ्यूल बर्न होता है तब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जब रिलीज होता है विंड के अंदर जब पास आउट हो जाता है हर जगह जब रेन फॉल होता है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है ये गैसेस वाटर के अंदर गैसेस डिजोल्ड होकर नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करेगा या सल्फरिक सलफरस एसिड फॉर्मेशन करेगा और फॉल होगा एज ए एसिड रेन वो इफेक्ट करेगा प्लांट्स लाइफ को भी इफेक्ट करेगा और एक्वेटिक एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगा और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को जो जमीन में रहने वाले एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगा फिर स्किन uh, कैंसर हो जाता है या उन वो ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो आप ब्रीड करना चाहते हैं तो फिर और प्लांट डैमेजेस हो जाता है फिर इस तरह से एसिड से इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट uh, में कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ को वार्म बना देता है कैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तब तो वो हीट वहीं पे ट्रैप कर लेता है वो एटमॉस्फेयर से एस्केप होने नहीं देता है वहीं पे ट्रैप कर देता है सो so, वहाँ पर क्या हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़स हो जाता है तो so, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ओके सो इसे किस कारण से होता है इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पर और इंटेसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाद में जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाता है ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है फिर ग्लेशियर्स पार्ट में क्या होता है मेल्ट होने लग जाता है और जो मेल्ट होके लेवल ऑफ दट ओशन है या सी हैं इंक्रीज़ हो जाता है फ्लड्स होने आ जाता है फिर इस तरह से इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस से और इंक्रीजिंग इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ एवरेज टेम्परेचर क्या होता है अर्थ का उससे भी ज़्यादा हो जाता है फिर वो तो मे लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स अभी बताया था मोलर पोलर कैप्स से जो वो मेल्ट होने लग जाता है सबमर्जिंग नंबर ऑफ कोस्टल सिटीज जो पास पास में जो कोस्टल के पास में सिटीज़ हैं वो सारे सबमर्ज um, हो जाता है फिर ओके चेंजेस इन एन्वायरमेंट अफेक्ट्स अज एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अज ओके दिस इज अबाउट दट ग्रीन हाउस अफेक्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई ह्यूमन्स ह्यूमन्स से एनवामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है देखो डिप्लिशंस ऑफ ओजोन लेयर सो ओजोन लेयर है हमारे स्टेट्रोस्पियर्स लेयर में रहता है सो so, ये एक पार्ट है एटमोसफियर का ये सिक्सटीन किलोमीटर से सिक्सटी किलोमीटर एबो द सी लेवल होता है ओजोन है एक अलॉट्रोक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है फिर क्योंकि ये ऑक्सीजन से ही बनता है जो ओजोन स्टेप में देखो इट इज मेड अप ऑफ द थ्री ऑक्सीजन एटम्स है सो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ओ थ्री ओ थ्री यानी ओ ऑक्सीजन होता है ओ टू उसमें यूवी रेडिएशन फॉल होता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है एटम्स में ऑक्सीजन एटम्स में जब सारे ऑक्सीजन ब्रेक ब्रेकडाउन होते हैं जिसके ऊपर यूवी रेडिएशन गिरेगा वही ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन एटम्स बनेगा और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन का उसके साथ वो ऐड हो जाता है ऑक्सीजन एटम्स उससे ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो जाता है फिर ओके okay? देखो फंक्शन क्या है ओजोन लेयर का ये ऑब्जर्व करता है अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन से आ रहा है फिर और प्रोटेक्ट करके रखता है लिविंग बींग से हार्मफुल इफ़ेक्ट से जैसे कि स्किन कैंसर से बचाता है कैटरेक्टिनाइस से बचाता है वीकनिंग इन इम्यूनो सिस्टम से हमें ओजोन लेयर बचाता है फिर ओके नाइनटीन एटी में क्या हुआ था फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था ओजोन लेयर को थिकनेस इन अंटार्कटिका रीजन में देखा गया फिर सो so उसको नाम दिया था ओज़ोन होल फिर टेन इयर्स में भी देखा तो उससे भी ज़्यादा हो गया था ओजोन होल uh, फिर ओके okay, फिर uh, बाद में uh, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन होया फिर उसके ऊपर एक्शंस लिया गया कि हम ओजोन लेयर को अफेक्ट नहीं होने देंगे फिर जिससे अफेक्ट किससे होता है वो देखेंगे देखो रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लीशन से देखो एक्सेस यूज़र्स ऑफ सी एफ सी एस यानी क्लोरो फ्लोरोबन ज़्यादा यूज़ लेने से और वो किस में यूज़ में लिया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में फिल किया जाता है सी एफ सी एस गैसेस और जेट प्लेन्स में यूज न, 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 उससे कारण भी ओजोन को इफ़ेक्ट हो रहा है स्प्रे कैंस हैं और फायर एक्स्टिंग्विशर्स हैं इनमें इन, इन सबको ज़्यादा यूटिलाइज करने से ही ओज़ोन एयर लेयर को डिफेक्ट हो रहा है जो फिर ओके और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण भी ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है फिर और नेक्स्ट स्मोक स्मोक इज ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन ये भी एक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन है और ये स्मोक कम्स फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड से बना हुआ है स्मोक है दैट स्मोक एंड फॉग स्मोक और फॉग से बना हुआ है जो स्मोक तो स्मोक है कैन फॉर्म एनी क्लाइमेट वेयर देयर इज ए लॉट एयर पोल्यूशन स्पेशल इन सिटीज़ सो ये क्लाइमेट को ही चेंजेस कर देता है और जहाँ पर जिस सिटी में और ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पर स्मोक फॉर्मेशन करता है यानी इससे क्या हो सकता है स्मोक से एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होता है सो so, वो डस्ट पार्टिकल्स फॉग के साथ स्मोक मिक्स हो जाता है तो लेयर थिन लेयर फॉर्मेशन होता है दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट यानी विच कैन नॉट सी द प्रॉपरली ब्लर में दिखने लग जाते हैं आगे वाला कुछ डिस्टेंस तक तब चांसेस ज़्यादा होता है कि एक्सीडेंट्स होने का फिर ओके That's also um, caused by air pollution. The rest of the topic we will discuss in the next class till take care yourself, okay.